गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर जीके क्लास। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 12। द नेम ऑफ द चैप्टर 12 इज टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स। आज हम इस चैप्टर में कुछ डॉक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी तरह के डॉक्टर्स होते हैं और वो कौन से डॉक्टर कौन सा इलाज करते हैं। डॉक्टर्स आर कैटेगराइज इन टू डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलिटीज़। ठीक है, अपनी अपनी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग भागों में डॉक्टर्स को डिवाइड किया हुआ है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमको जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं वो हमको फिल करना है। नीचे आपको हेल्प बॉक्स दिया है, उसमें से हमको ढूंढ के फिल करना है। ओके, मैं आपको आंसर बताती जाऊँगी, आपको यहाँ पर आंसर्स फिल करना है। फर्स्ट है डैश ट्रीट डेंटल प्रॉब्लम फ्रॉम टूथ डिके टू डेंचर्स टू एनी जम डिसेज एंड ओरल डिफेक्ट्स। ठीक है, कौन से जो डॉक्टर है वो हमारी डेंटल प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, हमारे दांतों को सड़ जाने पर और हमारे मसूड़ों में अगर बीमारी हो जाती है तो उसको सही करते, तो उस डॉक्टर को क्या कहेंगे? डेंटिस्ट। ठीक है, जो दांत का डॉक्टर होता है, दांतों का इलाज करता है, उसको डेंटिस्ट कहेंगे। तो आप फर्स्ट में डेंटिस्ट की स्पेलिंग लिखेंगे। नंबर टू, ट्रीट्स एनी एलिमेंट रिलेटेड टू द स्किन एंड इट्स अपेंडेजेस सच एज हेयर, नेल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे रोग जो स्किन से, मतलब चमड़ी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हमारे बाल हैं और नाखून हैं, इनसे रिलेटेड होते हैं, तो इन रोगों का इलाज कौन करता है? तो नंबर टू पर हम लिखेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, स्किन रोग चिकित्सक, उसको क्या कहते हैं कि जो चमड़ी रोग चिकित्सक, त्वचा रोग चिकित्सक भी कहते हैं उसको, जो त्वचा के रोगों को सही करता है, तो वो कौन होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। नंबर थ्री पर है ट्रीट्स प्रॉब्लम विद द ईयर नोज एंड थ्रोट। ठीक है, कान नाक और गले की जो प्रॉब्लम को ट्रीट करता है, इसका इलाज करता है, उस डॉक्टर को ई एंटी स्पेशलिस्ट कहा जाता है। ठीक है, ई ईयर एंड नोज और टी थ्रोट, तो ई एंटी स्पेशलिस्ट लिखेंगे आप। नाक कान गला रोग विशेषज्ञ कहते हैं उसको हिंदी में। नाउ नंबर फोर पर है डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग डिसेज ऑफ द लीवर। ठीक है, लीवर की बीमारियों को डायग्नोसिस, मतलब उसका पता लगाता है, और वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वो बीमारी किस कारण से हो रही है, और फिर उसका इलाज करता है, उस डॉक्टर को क्या कहेंगे? तो उनको कहेंगे हिप्टेटोलॉजिस्ट। ठीक है, हिप्टोलॉजिस्ट, तो आप नंबर फोर पर लिखेंगे हिप्टोलॉजिस्ट, लीवर रोग विशेषज्ञ। नंबर फाइव पर है स्टडीज वेरियस ब्रेन डिसऑर्डर्स सच एज पार्किंसंस डिसीज एंड एलिजीमर्स डिसीज। ठीक है, जो ब्रेन ब्रेन दिमाग जिसका डिसऑर्डर हो जाता है, दिमाग जिसका चलना कम हो जाता है, या ब्रेन से रिलेटेड जो बीमारियां होती है, उनका इलाज कौन करता है? न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट, मानसिक रोग विशेषज्ञ कहेंगे उसको, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट। नंबर सिक्स पर है ट्रीट्स बोन रिलेटेड इलनेसेस एंड ब्रोकन बोन्स। ठीक है, जो बोन मतलब हड्डियाँ की जो कमजोरी होती है उससे रिलेटेड जो इलाज करता है, या फिर जो टूटी हुई हड्डियों का इलाज करता है, उसको, उस डॉक्टर को क्या कहेंगे? तो वो होगा ऑर्थोपेडिक सर्जन। ठीक है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक मतलब होता है हमारी जो नसें होती है, हमारी जो हड्डियाँ होती है, उनको सही करने वाला, हड्डी रोग विशेषज्ञ कहेंगे उसको, इंग्लिश में कहेंगे ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? ऑर्थोपेडिक सर्जन। नेक्स्ट है ट्रीट्स चिल्ड्रन फॉर एनी इलनेस फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंट। ठीक है, जन्म से लेकर एडोलेसेंट एडल्ट अवस्था में आने तक बच्चों का जो ट्रीटमेंट करता है बीमारी का, उस डॉक्टर को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पेडिट्रिशियन। ठीक है, शिशु रोग विशेषज्ञ कहा जाता है उसको, तो आप नंबर सेवन पर लिखेंगे पेडिट्रिशियन। नंबर एट पर है स्पेशलाइज इन मेंटल इलनेस। ठीक है, जो दिमागी बीमारी को ठीक करता है एंड विल स्टडी, और उसके दिमाग को पढ़ता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, डायग्नोज एंड काउंसलिंग एंड ट्रीट मेंटल इलनेस। ठीक है, दिमागी हालत जिसकी ठीक नहीं होती है वो उसको डायग्नोज करता है, उसको पहचानता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसका इलाज करता है उसके दिमाग का, तो उस डॉक्टर को क्या कहेंगे?
साइकेट्रिस्ट, ठीक है, साइकेट्रिस्ट लिखेंगे यहाँ पे। कोई भी साइकेट्रिस्ट होता है तो वो क्या करता है कि किसी की मेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नेक्स्ट 9 नंबर पर है, इज़ अ डॉक्टर डेट स्पेशलाइज इन सर्जिकल ऑपरेशन, ठीक है, जो शल्य चिकित्सा है, जो बहुत शरीर में होने वाले ऑपरेशन का स्पेशलाइज होता है, वे उसी की पढ़ाई करता है, तो उस डॉक्टर को क्या कहते हैं, उसको कहेंगे सर्जन, ठीक है, जो सर्जरी करता है, पेट का ऑपरेशन है, हाथ का ऑपरेशन है, पैर का ऑपरेशन है, तो उसको सर्जन कहते हैं। सर्जन क्या करता है, सर्जरी करता है। नाउ नेक्स्ट है, इज सर्टिफाइड टू ट्रीट एनी प्रॉब्लम डीलिंग विथ हार्ट डिसीज एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, ठीक है, हृदय रोग संबंधी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, प्रॉब्लम को डील करता है, उस डॉक्टर को क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ जो कि हमारे हार्ट डिसीज को ठीक करता है और उससे रिलेटेड क्या करता है, ऑपरेशंस करता है और उसका इलाज करता है। तो यहाँ पर ही आपको हेल्प बॉक्स दिए हैं, मैंने नंबरिंग कर रखी है यहाँ पर, तो इसमें से आपको मैंने ओरल आपको आंसर बता दिए हैं, आप इसमें से स्पेलिंग ढूंढेंगे और 1 से लेकर 10 तक ये फिलअप्स क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ आपको ये स्पेलिंग्स डॉक्टर्स की लर्न करना है कि कौन सा डॉक्टर कौन से इलाज के लिए होता है और उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक सब अपना वर्क अच्छे से कंप्लीट करके रखेंगे। थैंक यू।